आखिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को गाली देने वाले ये कौन लोग हैं? आखिर क्यों अंधभक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से खुन्नस खाए हुए हैं? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। हमारे देश में कोर्ट का, न्यायपालिका का बहुत ज्यादा भरोसा है लोगों में। इतना भरोसा जितना नेताओं पर नहीं है, हमारे देश के लोगों को कोर्ट पर भरोसा है। अभी भी सड़क पर अगर दो लोग लड़ाई लड़े हैं या लड़ाई बड़ी हो जाए तो यही कहता है अगला कि आई सी यू इन कोर्ट, यानी कि मैं तुम्हें कोर्ट तक ले जाऊंगा। क्योंकि एक आम जनता को, देश के सामान्य नागरिक को, जो जिसकी कहीं जान पहचान नहीं है, जिस जो विधायक सांसद से बातचीत नहीं कर पाता, उसे इतना पता है कि अगर वो कोर्ट जाएगा तो उसके साथ न्याय होगा। और खास तौर पर अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो जाहिर तौर पर उसके साथ न्याय होगा, और सुप्रीम कोर्ट की ये साख भी है। लेकिन इन दिनों दोस्तों कुछ ऐसा हो रहा है जो कभी नहीं हुआ भारत के इतिहास में। सरकारें आई गई, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट के, मतलब देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को खुलेआम इस तरह से गालियां नहीं दी गई, खुलेआम उन्हें इस तरह से ट्रोल कभी नहीं किया गया। जबकि सरकार किसी की भी हो, कोर्ट हमेशा संविधान के अंतर्गत चलता है, और कोर्ट का काम सही दिशा दिखाना है देश के नागरिकों को भी और जाहिर तौर पर विधायिका को भी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में इस तरह के मैं ट्रोलर्स की अगर बात करूं तो भयानक तरीके से बाढ़ आ गई है, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ को ट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों, इन ट्रोलर्स द्वारा सुप्रीम कोर्ट के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो मैं आपको बोल भी नहीं सकती, बता भी नहीं सकती। तो फिर इतनी हिम्मत किसी में कैसे आ गई? और दूसरा बड़ा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट से किसी को इतनी खुन्नस कैसे हो सकती है? तो जवाब मैं देती हूँ। दोस्तों, पिछले 8-9 सालों में विपक्ष को पूरी तरह से देश में खत्म करने की कोशिश हुई, एक प्रायोजिक ढंग से, ना केवल संस्थानों के इस्तेमाल के द्वारा बल्कि मीडिया के इस्तेमाल के द्वारा भी विपक्ष को या तो खत्म करने की या उसे देश विरोधी घोषित करने की कोशिश हुई। इसके अलावा मीडिया की स्वतंत्रता का क्या हाल है आप जानते हैं। लेकिन एकमात्र सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी संस्था बन के उभरा जिसने उन लोगों को आवाज दी, उन लोगों की आवाज उठाई जिसका कोई सुनने वाला नहीं है। और वो सीरीज है मणिपुर मामले में, आप देख लीजिए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मणिपुर के उस वीडियो का खुद संज्ञान लिया और ना केवल सरकार को साफ अल्टीमेटम दिया कि आपको हर हाल में इतने लिमिटेड वक्त में मणिपुर में हालात ठीक करने हैं, अगर आप नहीं कर सकते तो हम करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ये रुख था जिसने प्रधानमंत्री मोदी को मजबूर किया आखिरकार मणिपुर के इस वीडियो पर बोलने के लिए। दोस्तों, इसके अलावा भी अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें कि महाराष्ट्र में जिस तरह से उद्धव सरकार गिराई गई, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो फैसला सुनाया, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो टिप्पणी की, वो जाहिर तौर पर बीजेपी को परेशान करने वाली थी, बीजेपी को असहज करने वाली थी। इसके अलावा केजरीवाल जब दिल्ली का बॉस कौन होगा, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट चले गए तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर केजरीवाल के नाम पर मोहर लगाई कि दिल्ली में एलजी नहीं, केजरीवाल की चलेगी। हालांकि बाद में सरकार इसको लेकर अध्यादेश भी ले आई, लेकिन यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर तौर पर या तो बीजेपी या केंद्र की मोदी सरकार को सीधा झटका दिया, जबरदस्त झटका दिया। इसके अलावा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अभी हाल के सालों में गोदी मीडिया पर, देश की मीडिया पर बहुत सख्त टिप्पणियां की हैं, और आप जानते हैं देश की मीडिया किसके इशारे पर चलती है। तो हाल के अगर आप साल उठा लें तो जिस तरह का पूरा एक एक्शन मोड में सुप्रीम कोर्ट दिखा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से जिस तरह की टिप्पणियां आई, क्या वही एक वजह है जो उन्हें इस तरह से गालियां दी जा रही हैं, उन्हें इस तरह से ट्रोल किया जा रहा है? बड़ा सवाल ये दोस्तों कि ये ट्रोलर्स क्यों नहीं समझ पाते कि देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, उसके सबसे बड़े जज डीवाई चंद्रचूड़, वो किसी पॉलिटिकल एजेंडा के तहत काम नहीं करते हैं, ना सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा किया है। सरकारें बनती रही हैं, आगे भी सरकारें बनेंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर उंगली उठाना देश की सबसे बड़ी अदालत की तौहीन करना है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसके इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है, इसका मास्टरमाइंड कौन है, आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और दोस्तों, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियोस, थैंक्स, और ज्वाइन का भी ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो मेरी आर्थिक मदद भी कर सकते हैं।